हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बनाने वाले हैं स्टाइलस पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, अभी हम बनाने जा रहे हैं स्टाइलस नंबर 1 जो है मोबाइल के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉटन बर्ड्स लिए हैं जो किसी के घर पे भी अवेलेबल होते हैं। मुझे 3 बनाने हैं तो फिर मैंने 3 लिए हैं। और कुछ कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैंने डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स में, जैसे कि हमारे पास 3 कॉटन बर्ड्स हैं। और हमें कॉटन बर्ड का एंड लेना है और जो कॉपर वायर हमने लिया था उसका एंड लेके हमें कॉपर वायर के एंड में रोल कर देना है। जो आपने वो लिया था ना ईयरबर्ड, उसके एंड पे ही आपको रोल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए मैं प्लायर की यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर आप दूसरे एंड पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, बट चीज़ तो सेम ही होगी। मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए इसे पूरे जो बीच में प्लास्टिक पार्ट है उसके ऊपर इसे रोल कर दिया है। अब हम और 2 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। और देखिए, मैंने कर चुका हूँ ऐसे। और हमें पानी चाहिए थोड़ा सा, 1 ड्रॉप पानी चाहिए 1 स्टाइलस पेन के लिए। और ज़्यादा 1 ड्रॉप भी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा। और फिर आप इसे फ्रीली 2 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 आवर्स तक ड्राई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कॉटन है और ये कॉटन अब्जर्व कर लेता है। और आप अगर इसे प्लास्टिक केस के अंदर रखेंगे तभी ये वर्क नहीं करेगा, आप इसे अपने हाथ से ही पकड़िएगा। और यहाँ पे मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ, तो उस फ्लावर का नाम है सनफ्लावर। यहाँ पे मैंने इसके पेटल्स बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये फ्लावर बहुत सुंदर बनने वाले हैं। इसके स्टेम बना लिए और लीव्स अभी बना रहा हूँ। और हो गया हमारा फ्लावर, आप देख सकते हो। अभी इसके बीच में कलरिंग कर देंगे, इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे, खाली आपको दिखाने के लिए कि ये वर्क करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना यार, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। और हम बना रहे हैं स्टाइलस नंबर 2 जो है लैपटॉप के लिए। यहाँ पे मैंने एक सिंपल बैटरी लिया है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली बैटरी लेना है। और अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप के लिए ही बना है, तो फिर आपके पास लैपटॉप तो होना ही चाहिए। तो लैपटॉप के कर्सर के ऊपर आप रखिए उस बैटरी को। और हाँ, याद रखिए आपको नेगेटिव साइड ही रखना है, जो माइनस का सिंबल है वही वाला साइड रखना है। और आप देख सकते हैं कैसे मैंने कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।